अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 4-5 है और सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी जर्नलिज्म, जबकि सब्जेक्ट कोड है 531। हम लोग ग्रैंड क्विज प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो जो लेक्चर हमारा रह गया वो है 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ ऑप्शन हमें दिए गए, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। और क्वेश्चन है अमूमन टू क्रिएट टू मोर एक्टिव एंड एंगेज पब्लिक बाय सेल्फ कॉन्शियसली गिविंग वॉइस टू द पीपल एजेंडा हु स्टेटेड। ऐसी कौन सी मूवमेंट है जब जो पब्लिक को क्रिएट पब्लिक को एंगेज करती है, ऐसी मूवमेंट जो कि वो अपने व्यूज़ और प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, वो कहलाती है। वो कौन सी स्टेट कहलाती है, वो कहलाती है टोनी बर्मन। ऑप्शन 2 लिबरल स्टेट्स, वो अपनी जो स्टेटमेंट है किसने स्टेट किया, वो की है गारंटी ने स्टेट की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट डेट सोसाइटीज अंडर गोइंग अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट एंड कन्वीन टू द इंडिपेंडेंस एंड बेटर मटीरियल कंडीशन ऑफन लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन 1 नंबर 1 है करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी मीडिया थ्योरी। ऑप्शन नंबर 2 है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर 3 है डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। ऑप्शन नंबर 4 है अंडर डेवलप मीडिया थ्योरी। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। नेक्स्ट हमारा जो है कम्युनिटी जर्नलिज्म इज नॉट अ डिबेट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑफ 1। क्वेश्चन हमें दिया गया है द एवोल्यूशन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी क्यूमुलेटेड इन द कमीशन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस रिपोर्ट इन विच ईयर। जो एवोल्यूशन थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में, वो किस ईयर में आई थी। द एवोल्यूशन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी क्यूमुलेटेड इन द कमीशन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस रिपोर्ट इन 1947 में, वो आई थी 1947 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेम द स्कॉलर्स ऑफ कम्युनिटी जर्नलिज्म ट्रेस इट्स रूट्स एज फॉर बैक एज। वो कौन से ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कम्युनिटी जर्नलिज्म को ट्रेस किया था, जो स्कॉलर्स ऑफ कम्युनिटी जर्नलिज्म ट्रेस इट्स रूट्स एज फॉर बैक एज। वो कुछ नेम है थॉमस जेफरसन, जॉन लकी एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस हेचकिन कमीशन रिपोर्ट आर्टिकुलेटेड कोड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रेस टू एडहेयर टू रिक्वायरिंग 5 बेसिक सर्विसेज। नंबर 1 है इसकी अ ट्रूथफुल कम्प्रीहेंसिव एंड इंटेलिजेंट अकाउंट ऑफ द डेज इवेंट इन द कंटेंट्स गिवन द मीनिंग। नंबर 2 है अ फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमेंट एंड क्रिटिसिज्म। नंबर 3 है द प्रोजेक्शन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। एंड नंबर 4 है द प्रेजेंटेशन एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ द गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी दैट फुल एक्सेस टू द डेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑप्शंस टाइप क्वेश्चंस हैं वो है द जर्नलिस्ट आर सिंपथेटिक टू द कम्युनिटीज इशू बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिकॉज द मीडिया सी देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, येस द मीडिया सी देमसेल्फ एज आउट ऑफ द कम्युनिटी, नो द मीडिया सी देमसेल्फ एज सुप्रीम बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, नो द मीडिया सी देमसेल्फ एज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, नो। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 मीडिया है, द मीडिया सी देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 5, विच इज़ द पेज लिमिट ऑफ वट इज़ द पेज लिमिट फॉर एन ऑनलाइन कम्युनिटी न्यूज़ पेपर। पेज लिमिट क्या थी जब ऑनलाइन कम्युनिटी न्यूज़ पेपर को राइट किया गया या किया जाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 50 पेजेस, ऑप्शन 2 है 100 पेजेस, ऑप्शन 3 है 500 पेजेस या ऑप्शन 4 है नो लिमिट पेजेस। सो नो पेज लिमिट फॉर एन ऑनलाइन कम्युनिटी न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट कैंपस कम्युनिटी रेडियो। इंडिया की जो फर्स्ट कैंपस कम्युनिटी रेडियो थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था NFM। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट 7 जो हमें दिया गया क्वेश्चन, ऑल आर द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी एक्सेप्ट द प्राइमेसी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट टास्क द पर्स्यूट ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमी सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड नंबर 4 वॉर विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 वॉर विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गैरानिटीज मैनिसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1998 डिफाइंड कम्युनिटी और पब्लिक जर्नलिज्म। इन दो जो प्रोफेसर्स थे इनके मुताबिक जो कम्युनिटी जर्नलिज्म थी वो 1998 में क्या थी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर्स एन एफर्ट बाई प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट टू रीच आउट टू द पब्लिक मोर एग्रेसिवली इन द रिपोर्टिंग प्रोसेस। जो है प्रिंट मीडिया की फॉर्म में जो एक जर्नलिस्ट का एक ब्रॉडकास्ट करना एक स्पेसिफिक एरिया को वो कहलाती है रिपोर्टिंग टू लिसन
टू हाउ सिटीजन फ्रेम देयर प्रॉब्लम. जो सिटीजन्स थे वो किसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रेम करते एक स्टोरी में, एंड व्हाट सिटीजन सी एज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. और जो सिटी जो शहरी थे पार्टिकुलर एरिया के, वो किस तरह अपनी मुश्किलात का हल देखते हैं, एंड देन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन टू इंग्रीज देयर न्यूज़पेपर और ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट. और इस इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए वो रिपोर्ट तैयार करते हैं न्यूज़पेपर पर, ब्रॉडकास्ट बोर्ड पर. और जो दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, चलो अ मूवमेंट टू क्रिएट अ मोर एक्टिव एंड इंगेज पब्लिक. एक ऐसी मूवमेंट जो क्रिएट की जाए और इंगेज पब्लिक को इंगेज किया जाए बाय सेल्फ कॉन्शियसली गिविंग वॉइस टू द पब्लिक एजेंडा. वो मूवमेंट ऐसी मूवमेंट जो कि बजाय इंगेज करती है पब्लिक को बहुत जिम्मेदारी के साथ, वो पब्लिक एजेंडा भी होती है लोगों की मुश्किल को सॉल्व करने के लिए. मीडिया के थ्रू वो कहलाती है कम्यूनिटी जर्नलिज्म. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी. वो कौन से गोल्स हैं जो कि मीडिया थ्योरी को इम्प्रूव करने में काम आते हैं, या मीडिया थ्योरी को जो होगी इम्फोसाइज उसकी इंक्रीजमेंट में मदद देते हैं. इट इम्फोसाइज द फॉलोइंग गोल्स, द प्राइमेसी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट टास्क है. नेक्स्ट है द परस्यूट ऑफ कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन ऑटोनॉमी, सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी. जो कल्चर और इन्फॉर्मेशन ऑटोनॉमी, जब आपके पास किसी भी इलाके की या किसी भी सेंट्रल एरिया की कल्चर और उसकी वैल्यूज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, तो देन आप लोग उसकी मीडिया थ्योरी पर रिपोर्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट है सॉलिडरिटी विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज है. दिस थ्योरी एडवोकेट मीडिया सपोर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इमेज एंड इट्स एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट है बाय सपोर्टिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट एफर्ट्स मीडिया एट सोसाइटी एट लार्ज. दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट अनलेस आर नेशन इज़ वेल एस्टैब्लिश एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेल अंडर वे, मीडिया मस्ट बी सपोर्टिव रेदर दैन क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट. जर्नलिस्ट मस्ट नो पिक अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट डेवलपमेंट बट रेदर एजिस्ट गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग सच पॉलिसीज. दिस थ्योरी रिकोगनाइज द नीड फॉर सम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंटरवेंशन इनटू द ऑपरेशन ऑफ मीडिया. सो ये कुछ गोल्स थे मीडिया थ्योरी को डेवलपमेंट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द थ्योरी विच इज़ रेलिवेंट टू सपोर्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी जर्नलिज्म. वो ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कम्युनिटी जर्नलिज्म को रेलिवेंट इनके उसके करीब तरीके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. दो थ्योरी है. नंबर वन है डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी एंड नंबर टू है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी. नेक्स्ट है NWICO स्टैनफोर्ड. NWICO का जो है एब्रिवेशन क्या है, वो है न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द गोल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन कम्युनिटी जर्नलिज्म. वो कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि कम्युनिटी जर्नलिज्म में जो कम्युनिकेशन को डेवलप करने में काम आते हैं या उसके मकसद को पूरा करते हैं. द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन फिट नाइसली इन टू द मूवमेंट ऑफ कम्युनिटी जर्नलिज्म और सिविक जर्नलिज्म. ये कुछ गोल्स हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिटी जर्नलिज्म के गोल को कामयाब करने में काम आते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड यूनेस्को एंड NWICO अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज हाउ मीडिया हेल्प देम. आंसर इसका द होल आइडिया बिहाइंड यूनेस्को NWICO इज दैट डेवलपिंग कंट्री कुड बुलेट देमसेल्फ बाय यूजिंग द मीडिया. ये इसका यूनेस्को और नेशनल यूनाइटेड नेशन का जो आइडिया था वो था कि मीडिया को इस तरह डेवलप किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेटाइज द मीडिया. आंसर है कम्युनिटी जर्नलिज्म इज समटाइम इंटरप्रेटेड एज अ रिटर्न टू द गोल्स ऑफ गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन. इट इज़ एन एफर्ट टू व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड डेमोक्रेटाइज द मीडिया. जो कम्युनिटी जर्नलिज्म में कुछ बाज़ अवकात ऐसा होता है कि वो कुछ गोल्स ऐसे इंटरप्रेट कर जाते हैं जो कि उनकी एफर्ट होती है, जो वो मीडिया हमें कहलाता है डेमोक्रेटाइज द मीडिया. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब जैन सुखी 2001 डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मीडिया. अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफर कम्युनिटी मीडिया रेफर्स टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ मेडिएटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. प्रिंट मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड इनिशिएटिव एम्बेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ट्रेडिशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस रिकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी मीडिया जंग सिटी. इसके मुताबिक जो उसकी खसूसियात है कम्युनिटी मीडिया की वो कौन सी है. उसके नंबर वन पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं हमारे
नंबर टू पे आ जाते हैं मीडियम्स है, कंटेंट है, मीडिया प्रोडक्शंस है, ऑडियंस है एंड फाइनेंसिंग है। इन सब करेक्टरिस्टिक को मद्देनज़र रखते हुए हमें कम्युनिटी मीडिया पर फोकस देकर एक पार्टिकुलर मीडिया जो एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर सोसाइटी का एक पार्टिकुलर मीडिया पर रिपोर्ट बनाने में कारामद हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय कम्युनिटी मीडिया। वो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कम्युनिटी मीडिया परफॉर्म कर रहे हैं या कौन से ऐसे मेजर फंक्शंस हैं जो कम्युनिटी मीडिया परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम गिविंग कम्युनिटी मेंबर्स एक्सेस टू नॉलेज। नंबर टू है टू वॉच द कम्युनिटी इन्वायरमेंट। वो कम्युनिटी के इन्वायरमेंट को देखते हैं, मोबिलाइज डायरेक्ट पीपल सेक्शन। नंबर थ्री है टू इस्टेब्लिश नेटवर्क फॉर कम्युनिटी मेंबर्स। नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, एक सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर सोसाइटी में जाके जहाँ पर एक जर्नलिज्म काम कर रहा होता है वहाँ पर एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है। इस्टेब्लिश कम्युनिटी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करते हैं वेदर के कम्युनिटी में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो सेम वैल्यूज़ को फॉलोज करते हैं कि नहीं, ये ना हो कि वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट और वो जो रिपोर्ट बना रहा हो उसमें वो सेम वैल्यूज़ को आइडेंटिटी किया जा रहा हो। टू क्रिएट वैल्यूज़ एंड कल्चर टू ट्रांसफर मेम्बर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन टू अ कम्युनिटी कॉमन एंड एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा IAMCR स्टैंड फॉर। इसका मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कम्युनिटी रेडियो या कम्युनिटी रेडियो क्या कहलाता है। कम्युनिटी रेडियो इज अ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिवेलपमेंट। जो कम्युनिटी रेडियो है ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क में, ये सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के तौर पर काम करती है विद इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन, एक जियोग्राफिकल लोकेशन में एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कम्युनिटी ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट न्यू कम्युनिटी स्टेशन। फर्स्ट न्यू कम्युनिटी स्टेशन की स्टोरी क्या थी। द फर्स्ट न्यू कम्युनिटी स्टेशन टू बी लाइसेंस वॉज यू पेस FM इन नीथपोर्ट टालबोट एंड द फर्स्ट टू गो ऑन एयर वॉज 103 द आई इन मेल्टन मॉर्ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉलेंटियर्स इन द कम्युनिटी रेडियो सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग रिपोर्ट ऑफ 2002। जो वॉलेंटियर्स थे कम्युनिटी रेडियो में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ वॉलेंटियर कम्युनिटी रेडियो में ऑस्ट्रेलिया में 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक वो कितने थे। आ 2000 रिपोर्ट फाउंड इट दैट 20,000 और 0.1 ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियंस आर इन्वॉल्व एज वॉलेंटियर्स इन द कम्युनिटी रेडियो सेक्टर्स। 20,000 के लगभग जो वॉलंटियर्स थे वो उन्होंने कम्युनिटी रेडियो सेक्टर्स में पार्टिसिपेट किया था अकॉर्डिंग टू 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नीड फॉर कम्युनिटी रेडियो इन पाकिस्तान। जो कम्युनिटी रेडियो की ज़रूरत है पाकिस्तान में उसकी कैसे कमी पूरी की जा सकती है और कितनी ज़रूरत है। द लेजिलेशन क्रिएटिंग द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा, जैसे कि पैमरा जानते हैं पैमरा टू इशू लाइसेंस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ प्रोविजन फॉर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बट सो फार द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटी। जो पैमरा उन्होंने उसने जो कम्युनिटी रेडियो का जो लाइसेंस है वो NGOs और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले किया हुआ है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्रोस्पेक्टस पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ कम्युनिटी रेडियो नीड टू बी सीरियसली डिस्कस सो डैट अ पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड डैट कैन एड्रेस जेन्युइन कंसर्न वाइल एट द सेम टाइम प्रमोट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन द कंट्री। जिसकी वजह से कम्युनिटी रेडियो में जो कम्युनिटी रेडियो होगा, कम्युनिटी रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होगी कंट्री में, उसकी जो डेवलपमेंट होगी इंक्रीज़ कर जाएगी अगर हम इसको सीरियस मसले के तौर पर मीडिया में उभारते हैं। कम्युनिटी रेडियो कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग डायलॉग अमंग सिटीजन ऑन द प्रायोरिटीज एंड डायरेक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कम्युनिटी न्यूज़पेपर अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। कम्युनिटी न्यूज़पेपर है वो कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट कर सकता है, वो कर सकते हैं बाय फोटोग्राफ्स है, बाय वेबसाइट लिंक्स है एंड मैनी सच सिस्टम आर सेटअप ऑन अ फी बेसिस प्रोवाइडिंग एन अदर रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द न्यूज़पेपर। स्मॉलर कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स के जरिए कर सकता है वो, और न्यूज़पेपर कैन प्रोवाइड एवरीवेयर एनी टाइम डिलीवर वो कॉल फोन टेक्स्ट मैसेजिंग कम्पिटिटिंग विद रेडियो फॉर ब्रेकिंग न्यूज़। ऑप्शन हमें दिए गए हैं अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कम्युनिटी जर्नलिज्म में हम आप लोगों को बता रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट मीडिया एक्सेप्ट थ्योरी।
नंबर वन है द परसुएट ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमी, नो सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, नो सॉलिडैरिटी विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, नो द प्राइमेसी ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपिंग टास्क. यस, ये ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास 9, एन एफर्ट बाई प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट टू रीच आउट द पब्लिक मोर एग्रेसिवली इन द रिपोर्टिंग प्रोसेस टू लिसन टू हाउ सिटीजन फ्रेम देयर प्रॉब्लम्स. एक ऐसी एफर्ट प्रिंट मीडिया की तरफ से या जर्नलिस्ट की तरफ से जो कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स को कवर करती है वो क्या कहलाती है. उस इस ऐसी स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट्स व्हाट सिटीजन सी एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड देन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू इंग्लिश देयर न्यूज़पेपर और ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट. द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई, ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने कम्प्लीट आपके सामने पेश किए, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये किस ऑथर की है. ये स्टेटमेंट है गर एनर्जी की स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज ऑल्सो एन कंपरेटिव एस्पेक्ट ऑफ एजेंडा सीटिंग थ्योरी विच सेज डैट वन ऑफ द अफेक्ट ऑफ मैस कम्युनिकेशन इज टू डायरेक्ट द ऑडियंस अटेंशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम और इशू. ऑप्शन हमें दिए गए न्यूज जर्नलिज्म, ऑप्शन नंबर टू है इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म, ऑप्शन नंबर थ्री है ऑनलाइन जर्नलिज्म, ऑप्शन नंबर फोर है कम्युनिटी जर्नलिज्म. कम्युनिटी जर्नलिज्म इज करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन. 11 हमारे पास है कम्युनिटी जर्नलिज्म ड्राइव फ्रॉम एजेंडा सेटिंग थ्योरी, नंबर टू है लिबर्टेरियन, नंबर थ्री है लिबर्टेरियन थ्योरी, नंबर थ्री है अथॉरिटेरियन थ्योरी एंड नंबर फोर है कल्टीवेशन थ्योरी. कम्युनिटी जर्नलिज्म जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक एरिया के स्पेसिफिक जो लोग होते हैं वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है स्पेसिफिक एरिया के लोगों को कवर करता है. सो इट्स कॉल्ड एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट है हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वॉज अनटेंडिंग टू रिकोगनाइज द फैक्ट डैट सोसाइटी अंडर गोइंग टू ट्रांजिशन फॉर अंडर डेवलपमेंट एंड कन्वीनियंट टू इंडिपेंडेंस एंड बेटर मटेरियल कंडीशन ऑफन लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इसका आएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी. नेक्स्ट है हमारे पास इन बर्तानिया द कम्युनिटी रेडियो इज बेटर नाउन एज, नंबर ऑप्शन नंबर वन है पब्लिक रेडियो, ऑप्शन नंबर टू है एक्सेस रेडियो, ऑप्शन नंबर थ्री है लोकल रेडियो, ऑप्शन नंबर फोर है सोसाइटी रेडियो. सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थ्री लोकल रेडियो. नेक्स्ट है हमारे पास अ मूवमेंट टू क्रिएट अ मोर एक्टिव एंड एंगेज पब्लिक बाय सेल्फ कॉन्शियसली गिविंग वॉइस टू द पीपल एजेंडा हु स्टेटेड इट, ये स्टेट की थी गर एनर्जी ने. द डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द ऑपरेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर वन है मीडिया, ऑप्शन नंबर टू है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर थ्री है टीवी चैनल्स, ऑप्शन नंबर फोर है रेडियो. इसका आएगा ऑप्शन नंबर वन मीडिया. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्सर्स सपोर्ट ऑफ मीडिया फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल रिजीम एंड इट्स स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कौन से स्पॉन्सर है, वो है डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज NWIC स्टैंड फॉर, NWIC स्टैंड फॉर न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड आर प्रोमोटेड बाय द कम्युनिटी जर्नलिज्म इन द सोसाइटी, वो कौन से ट्रेंड्स हैं जो प्रमोट किए जाते हैं कम्युनिटी जर्नलिज्म से, वो होते हैं डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स आर प्रोमोटेड बाय द कम्युनिटी जर्नलिज्म इन द सोसाइटी, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू लॉट्स ऑफ पीपल एट वंस दैट इज बाय टेलीविजन रेडियो और न्यूज़पेपर, ऐसा वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं छोटे लेवल पर टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैस कम्युनिकेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह आई विल बी प्रेजेंट माई नेक्स्ट वीडियो. स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़.